share together. सलमान खान की फिल्म रेस 3 के लिए फैंस की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। सलमान और मेकर्स फिल्म का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह और साकिब सलीम भी हैं। खबरों की माने तो फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए है। इस फिल्म में सलमान की पसंद के हिसाब से ही एक्टर्स को कास्ट किया गया है। सलमान ने सभी को अच्छी फीस भी दिलवाई है। हालांकि सलमान के आगे बाकी कास्ट की फीस कौड़ी के बराबर लगती है। फिल्म में साकिब सूरज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस रोल के लिए साकिब ने 1.5 करोड़ रुपए फीस ली है। रेस 3 में आदित्य विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस रोल के लिए आदित्य ने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। फिल्म में डेजी शाह संजना का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इस फिल्म के लिए डेजी को 5 करोड़ रुपए फीस दी गई है। रेस 3 को बॉबी की कमबैक फिल्म कही जा रही है। फिल्म में सलमान ने बॉबी को द मेन मैन का टैग दिया है। वैसे फिल्म में बॉबी का नाम यश होगा। इस रोल के लिए बॉबी ने 7.5 करोड़ फीस चार्ज की है। जैकलीन फिल्म में जैसिका का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ये सलमान और जैकलीन की दूसरी फिल्म है। इस रोल के लिए जैकलीन ने 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। रेस की तीसरी फ्रेंचाइजी है और अनिल कपूर इससे पहले भी दोनों पार्ट में नजर आए थे। अब इसके तीसरे पार्ट में भी उनका मेन कैरेक्टर है। शमशेर के कैरेक्टर में अनिल कपूर नजर आएंगे और उन्होंने इस फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब नंबर आता है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सलमान खान का। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए सलमान ने 60 करोड़ चार्ज किए हैं। इसके अलावा फिल्म का 35% प्रॉफिट भी सलमान के हिस्से में ही आएगा। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।